हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्चना फैशन डिज़ाइनर। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, एक बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान सा बुनाई डिज़ाइन है, बिगनर फ्रेंडली। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो इस डिज़ाइन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको कोई भी कितने भी फंदे ले लेने हैं, इवन इवन नंबर, ऑड नंबर, ऐसा कुछ नहीं। कितने भी आप फंदे ले लीजिएगा, जितने आपके प्रोजेक्ट में आपको ज़रूरत होगी, ठीक है। और सिर्फ एक सिलाइयों में डिज़ाइन आपको सीखना है। दो सिलाइयों में डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो जाता है। तो जो दो सिलाइयाँ आपको बताऊंगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज डिज़ाइन आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो डिज़ाइन पैटर्न की आपकी जो फर्स्ट होगी, वो आपकी रॉन्ग साइड से यानी कि उल्टी तरफ से स्टार्ट होगी। देखिए, मैं अभी अपनी उल्टी तरफ दूँ, पहला फंदा मैं एज स्टिच का इस तरह से उल्टा बना लूँगी, ठीक है। इसके बाद धागा पीछे ले जाएंगे और रो वन हम पूरी की पूरी सीधी बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए, ऐसे रो वन हम पूरी सीधी बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, पहली सलाई उल्टी तरफ से पूरी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, एज स्टिच को उल्टा बना लेंगे। अब हम आ गए अपनी फ्रंट साइड पे। तो ये हमारी पैटर्न की रो नंबर टू है। तो देखिए, पहला फंदा हम ऐसे स्लिप कर लेंगे, इस रो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसी पे डिजाइन बढ़ेगा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे इस तरह से। फिर देखिए, धागा पीछे ले जाएंगे। अब देखिए, ये जो फंदा है उल्टा जो आपको दिख रहा है, इसके नीचे से आपने एक लूप निकालना है। यहाँ से देखो, यहाँ से आप एक लूप निकालेंगे, लूप को थोड़ा लूज रखेंगे और इसके साथ ऐसे रख देंगे। अब देखो, ये लूप और एक ये फंदा, इन दोनों को बैक लूप से आपको सीधा बनाना है। ऐसे हो गया, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, नेक्स्ट धागा पीछे। फिर से देखो, इस फंदे के नीचे से यहाँ से लूप निकालेंगे, सॉरी गाइस, यस, ऐसे लूप निकाला और ऐसे रख दिया, दो का वो एक कर दिया। ऐसे यही दो फंदे हम बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। फिर देखो, यहाँ से हम एक लूप निकालेंगे इस तरह से और इसे ऐसे रख देंगे। लूप, ये जो लूप निकाला है इसको हमें थोड़ा लूज रखना है, टाइट नहीं करना है, जिससे कि ये उभार आ सके। फिर देखिए, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। फिर देखो, यहाँ से एक लूप निकालेंगे ऐसे और ये ऐसे। ये देखो, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ऐसे लूप निकाला, ऐसे रख दिया। ये देखो, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। फिर देखो, यहाँ से एक लूप निकाला, ऐसे रखा। ये देखिए, फिर से एक लूप, धागा पीछे। ये देखिए, ऐसे लूप निकालेंगे, ऐसे रख देंगे, दो का एक, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, एज स्टिच को सीधा बना लेंगे। ये देखिए, ये रो टू हमने बना ली। अब देखिए, फिर से हम रो वन रिपीट करेंगे रॉन्ग साइड से। पहला फंदा स्लिप करके, धागा पीछे, सभी फंदों को सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से, मतलब कि एक सिलाई तो आपको बिल्कुल सादा सादा सीधी सीधी बनानी है और बाकी एक सिलाई पे आपको डिज़ाइन डालना है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा मेकअप वाला चैनल नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। वहाँ पर मैं DIY स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप ट्यूटोरियल के वीडियोज़ बनाती हूँ, तो एक बार देखिएगा। हो सकता है कोई ना कोई वीडियो आपके काम का हो, आपको पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्यार सपोर्ट दीजिएगा जैसे आप लोगों ने इस चैनल को दिया है। और मेरा जो मेकअप वाला चैनल है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। देखिए बस, अब रो वन फिर से आप वैसे ही बनाएंगे, वो रो टू, पहला फंदा स्लिप करके, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। देखो, यहाँ से एक लूप निकालेंगे ऐसे, इस लूप को ऐसे रख देंगे। अब यहाँ पर दो का एक कर देंगे, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। फिर देखो, यहाँ से लूप निकालेंगे नीचे से और इसको ऐसे रख देंगे, दो का एक। फिर धागा अपनी तरफ, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। फिर यहाँ से एक लूप निकाला,
पकड़ा और ऐसे रख दिया और दो का एक कर दिया। तो जब आप इसे और ज्यादा फंदों पे बनाएंगे ना, तो ये डिजाइन देखो किस तरह से दिखाई देगा। यही बस आपको रिपीट करते हुए जाना है। देखो कितना खूबसूरत डिजाइन बनकर आया है। अभी इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, और यहाँ बहुत छोटा सा सैंपल है तो समझ में इतना ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन बनेगा ये ऐसे ही। देखो कितना खूबसूरत सा डिजाइन बन के आ रहा है। अब देखो बहुत सुंदर बन के आएगा। फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से दिखेगा, बहुत बारीक डिजाइन बन के आता है। रॉन्ग साइड से ही कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, बच्चों के, बड़ों के, जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, स्कार्फ, मफलर, जैकेट, ब्लैंकेट, हर जगह ये डिजाइन बहुत खूबसूरत बनेगा। तो आप इस डिजाइन को ट्राई जरूर कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा सभी लोगों के साथ। ये देखिए, चैनल पर पहली बार आए, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।